श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। अथ श्री साई ज्ञानेश्वरी चतुर्थ अध्याय। श्री साई ज्ञानेश्वरी का चतुर्थ अध्याय भगवत भक्ति है। ईश्वर के प्रति झुकाव एवं मन में ईश्वर के प्रति लगाव पैदा होना ही भगवत भक्ति है। इस अध्याय में श्री साई के साथ उनके भक्तों के चार संवाद हैं। श्री साईं ने बताया है कि शुद्ध भक्ति करें। भक्ति करने का अधिकार सभी को है। सच्चे सद्गुरु की भक्ति करें एवं निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ भक्ति करें। भक्ति की सीढ़ी ही इंसान को भगवान तक पहुंचाती है। इस अध्याय में सर्वप्रथम श्री साई चांद पाटिल संवाद है। इस संवाद में सद्गुरु श्री साई भक्त के मन में विश्वास पैदा करते हैं। विश्वास से श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा से आस्था जागृत होती है। आस्था के कारण मनुष्य आराध्य के सामने मस्तक झुकाता है और आराध्य की भक्ति में मन को लीन करता है। बाबा हिदायत देते हैं कि भौतिक पदार्थों का मोह त्यागना आवश्यक है। मन जब भौतिकता के माया जाल से दूर होता है तभी व्यक्ति ईश्वर की सत्ता का भान और उनके स्वरूप का ध्यान कर सकता है। तभी भगवत भक्ति संभव है। आइए अब हम श्री साई चांद पाटिल संवाद का पारायण करते हैं। जंगल जंगल घूम कर कर पाया न तलाश, खोई घोड़ी न मिली, चांद उदास निराश। एक दिन एक यमन व्यक्ति औरंगाबाद जिले के घने जंगलों से होकर गुजर रहा था। उसका नाम चांद पाटिल था। उसकी घोड़ी खो गई थी और वो जंगल जंगल भटक कर उसकी तलाश कर रहा था। चांद पाटिल ने एक वृक्ष के नीचे एक नवयुवक फकीर को देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गया। उसके मन में ख्याल आया, अरे इस निर्जन घने जंगल में ये फकीर, वो भी कच्ची उम्र का नवयुवक, कहीं ये अनाथों की मां तो नहीं, कहीं ये बेसहारों को सहारा देने वाला तो नहीं। चांद पाटिल के मन में दूसरा ख्याल आया, ये सूनी डगर, ये घना जंगल, इस निर्जन में मनुष्य का क्या काम, अवश्य ही ये मनुष्य नहीं है, कहीं ये कोई यक्ष या वन देव तो नहीं, कहीं ये भूत पिशाच या राक्षस तो नहीं, कहीं मनुष्य के रूप में ये कोई वयंतर तो नहीं। चांद पाटिल ने फिर सोचा, इस निर्जन जंगल में मनुष्य का होना संभव नहीं, मेरे सामने तो कोई दुर्भाग्य ही खड़ा है। अब मेरे ऊपर शीघ्र ही कोई आघात होने वाला है, अब मैं कैसे प्राण बचाऊं। ये सोचकर चांद पाटिल पीछे मुड़ा और वहां से भागने को तत्पर हुआ। चांद पाटिल को पीछे मुड़ते देख
फकीर ने उसे आवाज लगाई और कहा, अरे मैं कोई भूत प्रेत नहीं, मैं वनदेव या यक्ष भी नहीं। सच्चाई तो ये है कि मैं एक गरीब फकीर हूं। इस सूने जंगल में पेड़ के नीचे आ बैठा हूं। अपने मन में किसी तरह का भय और संशय मत रखो। इधर आओ, मेरे पास बैठो, हम दोनों बैठकर चिलम पिएंगे। फकीर के ऐसे वचन सुनते ही चांद पाटिल का भय कम हुआ। उनको ऐसा लगा जैसे किसी सघन समस्या से ग्रस्त होते होते वे बाल बाल बच गए हों। चांद पाटिल सकुचाते हुए फकीर के पास आए। फकीर के करीब बैठकर उन्होंने तंबाकू का चूरा चूरा किया और उसे चिलम में भरा। फिर उन्होंने चिलम पर छापी लपेटी। उन्होंने फकीर से कहा, चिलम भरकर तैयार है, किंतु जलते हुए कोयले की कमी है। वैसे मैं अग्नि प्रज्वलित करने वाला चकमक पत्थर हमेशा अपने साथ रखता हूं, परंतु इस बार मैं उसे अपने घर पर ही छोड़ आया। अब उसका इंतजाम आप ही करें। चांद पाटिल की बात सुनकर फकीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने हंसते हुए कहा, तुम सांसारिक लोग हो, तुम्हारे जीवन में हमेशा ही कुछ ना कुछ अड़चने लगी रहती हैं। तुम्हारे पास खुद के सुख नहीं, तुम्हारे पास जो सुख दिखाई पड़ते हैं वे सारे उधार लिए हुए हैं। तुम हर दिन दूसरों की सहायता के मोहताज रहते हो। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारा इस धरती पर जन्म लेना ही बेकार हो। आगे फकीर ने कहा, आग का आदि स्रोत सूर्य है। सूर्य के तेज की शक्ति अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त है। फिर आग प्राप्त करने के लिए चिंता कैसी? इतना कहकर फकीर ने अपने हाथ का चिमटा जमीन पर जोर से पटका। जमीन से अग्नि का अंगार प्रकट हुआ। उन्होंने अंगारे को चिलम पर रखा, कपड़े की छापी दूर फेंक दी। ऐसा करते समय फकीर ने धिक्कारपूर्ण मुद्रा व्यक्त की, इंसान सिर्फ इंसान ही बना रहना चाहता है, वो अपनी अल्प शक्ति तक ही सीमित रह जाता है। इंसान यदि प्रयास करे तो वो भगवान भी बन सकता है और अनंत शक्तियां भी हासिल कर सकता है। परंतु अफसोस, इंसान सांसारिक पदार्थों में उलझकर रह गया है। उसे इस जगत में आकर जिन शक्तियों का विकास करना था उस दिशा में वो कदम नहीं बढ़ाता, अग्रसर नहीं होता। अतः फकीर धिक्कार के साथ ये खेद व्यक्त करता है। चांद पाटिल ने फकीर की शक्ति को पहचाना। उसका मन आश्चर्यचकित रह गया। उसने सद्भाव एवं आदर के साथ फकीर के चरणों में सर झुका दिया। चांद पाटिल ने कहा, हे महाराज, आप में विशेष शक्ति है, आप अलौकिक ताकतों के अधिकारी हैं, आप साक्षात ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, एक पैगंबर हैं। मेरा ये सौभाग्य है कि मेरी आपसे भेंट हुई। चांद पाटिल बोले, हे शक्ति संपन्न, मैं 4 दिनों से जंगल जंगल भटक रहा हूं,
भूखा प्यासा अपने घोड़े को ढूंढ रहा हूं। मेरा घोड़ा 400 रुपए का था। वो तुर्की नस्ल का, तेज गति से चलने वाला, एक बार में 40 कोस की दूरी तय करने वाला था। वो घोड़ा अनेक गुणों से संपन्न था। ऐसा घोड़ा मिल पाना ही बड़ा कठिन है। मैंने वो घोड़ा खो दिया है। घोड़े के लापता हो जाने से मैं बिल्कुल ही दुखी हो गया हूं। मुझे तो खाना पानी भी अच्छा नहीं लग रहा। 4 दिनों से मैंने पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं डाला है। मैं भटक भटक कर थक गया, पर घोड़े को ढूंढ नहीं पाया। जब तक वो घोड़ा मुझे नहीं मिल जाता, तब तक मेरी इच्छा चिलम पीने की भी नहीं है। फकीर ने पाटिल को कहा, हे भले आदमी, सब्र रखो। तुम सामने वाली झाड़ी के पास जाओ, वहीं जाकर सामने देखो। वहां तुम्हारा घोड़ा घास चर रहा है। तुम्हारा खोया घोड़ा तुम्हें मिल जाएगा। मामूली से घोड़े के लिए तुम लोग इतने दुखी हो जाते हो। तुम लोग सांसारिक जीव हो। तुम लोग नाशवान व अस्थाई वस्तुओं के प्रति बेहद मोह रखते हो। तुम्हारा बच्चा थोड़ी देर के लिए इधर उधर चला जाता है तो उसकी खोज में तुम गली गली खाक छानते फिरते हो। तुम्हारी पत्नी यदि घर छोड़कर चली जाती है तो उसके गम में तुम आंखें भर भर कर आंसू छलकाते हो। छोटा मोटा दुख आते ही अपना सर पकड़कर बैठ जाते हो। तुम्हारे घर में यदि चोरी हो जाए तो तुम छाती पीट पीट कर रोते हो। अगर तुम्हारे घर में आग लग जाती है तो तुम गले में शंख डालकर चिल्लाते हो और पूरे गांव को इकट्ठा कर लेते हो। फकीर ने कहा, अरे मनमौजी चांद भाई, ये संसार माया से उत्पन्न है। ये माया का ही प्रतिरूप है। तुम माया में मन को उलझाए जा रहे हो। ब्रह्मांड की जिसने रचना की है उस अल्लाह इलाही के बारे में मन में ध्यान करो। उसे समझने की कोशिश करो। उस परवरदिगार ईश्वर को कभी मत भूलो। वो ईश्वर इस संसार का मूल स्रोत है, आदि कारण है। वो समस्त सुखों का सागर है। वही एकमात्र सत्य है। उसकी खोज क्यों नहीं करते? सुख सागर की तलाश ना करके आखिर तुम किसकी तलाश कर रहे हो? लाभ और हानि एक दूसरे के सापेक्ष हैं। इन दोनों का पारस्परिक संबंध है। ये एक दूसरे पर निर्भर है। एक को समझे बिना दूसरे के महत्व को नहीं जान सकते। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी पड़ती है, इसके बाद वर्षा की ऋतु आती है। गर्मी की तपन के बाद ही वर्षा का महत्व जाना जा सकता है। ग्रीष्म और वर्षा एक दूसरे के सापेक्ष हैं। एक के महत्व को जाने बिना दूसरे के महत्व को नहीं जाना जा सकता। अरे चांद भाई, तुम एक घोड़े के लिए इतनी चिंता कर रहे हो। क्या तुमने कभी ईश्वर को खोजने की थोड़ी सी भी चिंता की है? उसके लिए क्या तुम्हारे मन में थोड़ी सी भी हलचल पैदा हुई है? निरर्थक की तलाश तुम करते फिरते हो। सत्य की तलाश करते समय मौन और खामोश हो जाते हो। तुम सिंह के बच्चे को छोड़कर बकरी के बच्चे की इच्छा क्यों करते हो? फकीर के ऐसे वचनों को सुनकर चांद पाटिल खामोश हो गए।
फिर वे बोले, हे ज्ञान संपन्न फकीर, आप ज्ञान के भंडार हैं। आपके अद्भुत ज्ञान की प्रशंसा कर पाने में मैं सक्षम नहीं। मेरे शब्दों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो आपके अगाध ज्ञान की प्रशंसा कर सके। इतना कहकर चांद पाटिल झाड़ी की तरफ गए। वहां उनका घोड़ा हरी हरी घास चर रहा था। पाटिल ने अपना घोड़ा पकड़ लिया। घोड़ा पाकर पाटिल के मन में अद्भुत आनंद भर गया। जिस प्रकार से पत्नी के ऋतुमती होने पर पति प्रसन्न होता है और जिस प्रकार सूखे खेतों पर वर्षा पड़ने से किसान प्रसन्न होता है, वैसे ही खोया घोड़ा प्राप्त होने पर चांद भाई प्रसन्न हुए। एक हाथ से घोड़ा पकड़े चांद पाटिल फकीर के पास आए। उन्होंने आदर के साथ उनके सामने मस्तक झुकाया। चांद पाटिल बोले, हे समर्थ, आप इस निर्जन में क्यों बैठे हैं? आप मेरे साथ चलें, मेरे घर को पवित्र करें, वहीं रहें। अब आप मेरे अनुरोध पर किसी तरह की आपत्ति ना करें और मेरे यहां ही बसेरा करें। चांद पाटिल के आग्रहपूर्ण वचन सुनकर नव युवक फकीर हंसने लगा। फकीर ने कहा, हे चांद भाई, मैं ठहरा एक फकीर, रमता जोगी हूं मैं। मुझे गाड़ी घोड़े और आलीशान बंगलों से क्या प्रयोजन? वैसे आज मैं तुम्हारे घर नहीं चल सकता। आज ऐसा कर पाना मेरे लिए संभव नहीं। तुम बार बार आग्रह मत करो। मैं शायद कल या फिर कभी तुम्हारे यहां आऊंगा। चांद पाटिल ने फकीर को प्रणाम किया और घोड़े पर सवार होकर उल्लासपूर्वक अपने घर प्रस्थान किया। दूसरे दिन फकीर चांद पाटिल के गांव धूपखेड़ा में पधारे। उनके दर्शन के लिए सारा धूपखेड़ा गांव उमड़ पड़ा। हिंदू और मुसलमान दोनों जाति के लोगों ने कृपा मूर्ति फकीर को मस्तक झुकाया। मुसलमानों ने उन्हें एक पहुंचा हुआ औलिया माना। हिंदुओं ने उन्हें सदगुरु महाराज के रूप में स्वीकार किया। दोनों जाति के लोगों ने उनके पावन चरणों में अपनी अपनी श्रद्धा और भक्ति भावना व्यक्त की। फकीर कुछ समय तक चांद पाटिल के घर रहे। बाद में चांद भाई की पत्नी के भतीजे की शादी शिरडी ग्राम की लड़की के साथ तय हुई। शादी में बारात के साथ फकीर धूपखेड़ा से शिरडी आए। खंडोबा मंदिर के पुजारी महालसापति ने फकीर का स्वागत करते हुए उन्हें आओ साईं कहकर संबोधित किया। इसके बाद फकीर का यही नाम प्रचलित हो गया। श्री साईं शिरडी की धरती पर क्या आए, शिरडी की धरती का कण कण धन्य हो गया। श्री साईं के चरणों का स्पर्श पाकर शिरडी का जर्रा जर्रा पावन हो गया। शिरडी का सौभाग्य सितारा ही चमक उठा। दूसरे शब्दों में कहें तो शिरडी गोकुल के समान पूज्य एवं महिमा मंडित हो गई। कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया था और वे रहने के लिए गोकुल में आ गए थे। इसी प्रकार से श्री साईं धूपखेड़ा में प्रकट हुए थे, परंतु शिरडी को उन्होंने अपना स्थायी बसेरा बना लिया। कृष्ण को पाकर गोकुल धन्य हुआ और श्री साईं को पाकर शिरडी धन्य हो गई।
धूप खेड़ा प्रकट हुए सुंदर तरुण फकीर पारस परस से खिल गई शिरडी की तकदीर। इस अध्याय में दूसरा संवाद महालसा पति श्री साईं संवाद है। इस संवाद में सदगुरु श्री साईं ये व्यक्त करते हैं कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर या गुरुद्वारा आदि अलग अलग प्रकार के देव स्थान हो सकते हैं, परंतु इनमें रहने वाला ईश्वर एक ही है। लोगों ने अपनी मानसिकता के अनुसार ईश्वर का आवास स्थान बनाया, ईश्वर का नाम रखा। ईश्वर का चाहे कोई भी स्वरूप क्यों ना हो, कोई भी नाम क्यों ना हो, ईश्वर तो एक ही है। कोई भी व्यक्ति ईश्वर की भक्ति कर सकता है। उच्च नीच, अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान, सभी ईश्वर भक्ति के पात्र हैं। ईश्वर सभी की भक्ति को स्वीकार करता है। आइए अब हम महालसा पति श्री साईं संवाद का पारायण करते हैं। मुस्लिम जैसा साईं का लगता सूरत वेश, यह देवाले हिंदू का कर सकते ना प्रवेश। शिरडी में खंडोबा देव का मंदिर था। इस मंदिर के पुजारी महालसापति थे। मंदिर में देव दर्शन के लिए भक्तगण आते रहते थे। श्री साईं खंडोबा मंदिर में खंडोबा देव के दर्शन करने गए। मंदिर के पुजारी महालसापति ने उन्हें देखा और कहा, हे साईं, आप इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। ये हिंदुओं का मंदिर है, ये एक देव स्थान है। आप शकल सूरत से मुसलमान लगते हैं, अतः आप मस्जिद में या तकिया पर इबादत के लिए जाएं। महालसा पति के ऐसे वचन सुनकर श्री साईं आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने महालसा पति से कहा, हे ज्ञानी पुजारी, हिंदू तथा मुसलमान दोनों जाति के लोगों को बनाने वाला ईश्वर तो एक ही है। हिंदू और मुसलमान ये तो केवल शब्दगत विभेद हैं। ईश्वर में विश्वास करने वाले सज्जन पुरुष इस प्रकार के भेदों को महत्व नहीं देते। हर व्यक्ति को अपने पंथ के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपने पंथ के रीति रिवाज एवं विधि विधान के अनुसार आचरण करना चाहिए। इसमें शिथिलता नहीं बरतनी चाहिए, नियमों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। सभी को अपने अपने आराध्य में उस एक ही सच्चिदानंद के दर्शन करने चाहिए। श्री साईं ने कहा, जिसे मुसलमान अल्लाह इलाही कहते हैं उसे हिंदू शेषशाही कहते हैं। तुम उसे खंडोबा के रूप में जानते हो। अनेक रूपों में वो एक ही है जो सभी जगह व्याप्त है। तुम खंडोबा के संदर्भ में विचार करो। तुम खंडोबा से अपनी वाणी द्वारा एक प्रश्न पूछो। उन्होंने गडेरिया जाति की बाणु नामक कन्या के साथ शादी क्यों की? इस पर यदि तुम सघनता से विचार करोगे तो तुम्हें इसका सार तत्व प्राप्त होगा। मूलतः जो सार तत्व है वो यही है कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं
वे किसी तरह के भेदभाव को महत्व नहीं देते। इस धरती पर जहां कहीं भी मंदिर हैं या मस्जिद है, सज्जन लोग उसमें से किसी का भी तिरस्कार नहीं करते। वे दोनों पूज्य स्थलों का समान रूप से आदर करते हैं। श्री साईं ने महालसापति से कहा, मैं दूर से ही देव दर्शन कर लेता हूं, तुम्हारे पंथ के विधान के अनुसार मेरा प्रवेश वर्जित है, अतः तुम्हारे पंथ के विधान का आदर करते हुए मैं मंदिर के भीतर आने की हरकत नहीं करूंगा। तुम्हारे पुराणों में एक कथा है, चोखा महार नामक का एक व्यक्ति पंडरीनाथ को अति प्रिय था। महार नीच जाति है, परंतु चोखा महार अपने सुकृत्यों एवं सद्गुणों के कारण पंडरीनाथ के द्वार तक पहुंचने में सफल हो गया था। जिसका अंतर शुद्ध है वो नीच जाति का होकर भी पवित्र है, पावन है। श्री साईं के ऐसे वचन सुनकर महालसापति का हृदय असीम आनंद से भर गया। श्री साईं के चरणों में सादर नमन करके उन्होंने कहा, ये मेरे पुण्य कर्मों का योग है कि मेरी मुलाकात आप जैसी ज्ञान मूर्ति से हुई। आपसे निवेदन है कि आप अब इसी शिरडी गांव में स्थायी रूप से रहें। श्री साईं ने महालसापति से कहा, एवं अस्तु। इसके बाद श्री साईं ने महालसापति के साथ शिरडी गांव में प्रवेश किया। गांव में एक टूटी फूटी वीरान मस्जिद थी। महालसापति श्री साईं को लेकर वहां आए। श्री साईं ने इसी मस्जिद में अपना आसन जमा दिया। मस्जिद जर जर खंड हरे, पंछी करत बसेरा, साईं ने आकर यहीं डाला अपना डेरा। इस अध्याय में तीसरा संवाद गंगागीर श्री साईं संवाद है। इस संवाद में ये भावना व्यक्त की गई है कि भक्त को सद्गुरु की परख और पहचान करनी चाहिए। झूठे एवं ढोंगी गुरुओं के पीछे भटक भटक कर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। सद्गुरु सुयोग से मिलता है। सद्गुरु का सानिध्य मिल जाए तो सच्चे हृदय से उसकी भक्ति करनी चाहिए। ईश्वर आध्यात्मिक उत्थान के लिए सद्गुरु को धरती पर भेजता है। सद्गुरु भक्ति में लगने वाले लोगों को अमृत का पान कराने के लिए तत्पर है। जो लोग भक्ति में नहीं लगते, अकरणीय कार्यों में संलग्न रहते हैं, असत्य की जय जयकार करते हैं, उन्हें भी सद्गुरु सन्मार्ग दिखाकर भगवत भक्ति में लगाने का प्रयास करते हैं। आइए अब हम गंगागीर श्री साईं संवाद का पारायण करते हैं। साईं सच्चे संत है, गंगा नीर समान, हर पौधों को सींचते सदगुरु को पहचान। साईं सुमेरु ज्ञान के बोले गंगागीर, शीशे का टुकड़ा नहीं यह कोई नूर ही। साईं की अवहेलना ना करना ना
साई ईश समा। एक दिन श्री साई कुएं से पानी निकाल रहे थे। उस समय गंगागीर नामक एक ज्ञानी संत की नजर उन पर पड़ी। गंगागीर पारखी थे। उन्होंने शिरडी के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें कहा, अरे शिरडी वासियों, तुम लोग कितने बेपरवाह हो, क्या तुम्हारी आंखें इस रत्न को नहीं देखती? क्या तुम अपने गांव में रहने वाले अनमोल हीरे को नहीं परख सकते? तुम लोग कितने पागल हो, झूठे साधुओं के चक्कर में तुम जंगल जंगल भटकते फिरते हो और सच्चे साधु को ना पहचान कर उसे उपेक्षित कर देते हो। गंगागीर ने आगे कहा, तुम्हारे सामने जलेबी एवं करंजिया जैसे स्वादिष्ट मिष्ठान रखे हुए हैं, उन्हें क्यों नहीं चखते? उन्हें खाकर तृप्त क्यों नहीं होते? इन पदार्थों के सुलभ होने के बावजूद तुम सूखी रोटी के लिए दर दर भिक्षा क्यों मांग रहे हो? गंगा का जल तुम्हारे पास है, फिर तुम कुएं का पानी सेवन करने का इरादा क्यों रखते हो? साधु संत रूपी गगन में श्री साईं ज्ञान के प्रखर सूर्य हैं। वे संसार के सभी पर्वतों में विशाल हिमगिरी के समान है। इस संसार के कोटि कोटि लोगों में वे सर्वश्रेष्ठ हैं। वर्तमान में जितने भी साधु संत हैं, उन सभी साधु संतों की विशाल श्रृंखला में वे मेरुमणि के समान हैं। तुम गांव गांव भटक कर सच्चे साधु की खोज करते फिर रहे हो। तुम्हारे गांव में जो सर्वोत्तम संत है उसे पहचानो। यदि तुम उसे नहीं पहचानते तो ये समझो कि तुम उसका अपमान कर रहे हो। तुम सर्वोत्तम संत श्री साई का रंच मात्र भी तिरस्कार ना करो, उनकी उपेक्षा ना करो। वही संत तुम सभी के लिए कल्याणकारी सिद्ध होंगे। जिस राज्य की प्रजा अपने राजा को संतुष्ट एवं प्रसन्न नहीं रख सकती, उस राज्य की प्रजा कभी भी सुखी और खुशहाल नहीं हो सकती। शिरडी वासियों को श्री साई के संदर्भ में जानकारी देने के बाद गंगागीर मस्जिद में पहुंचे। श्री साई ने उन्हें देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। गंगागीर ने भी श्री साई को देखकर अपना हार्दिक आनंद व्यक्त किया। श्री साई ने गंगागीर से हंसते हंसते कहा, आज तो मंदिर ही स्वयं चलकर मस्जिद तक आया है। आज भेदभाव को बिल्कुल परे रखकर एक ज्ञानी ब्राह्मण मुझ जैसे फकीर से मिलने मस्जिद में पधारे हैं। आज तो गरुड़ राज स्वयं किसी राजहंस के घोंसले की शोभा बढ़ाने आए हैं। आपका यहां पधारना शुभ है। आपने यहां आकर सद्भावना का परिचय दिया है। सच्चाई तो ये है कि आपका और हमारा घराना एक ही है। आप एक ज्ञानी संत हैं, मैं एक फकीर। हम दोनों पहले कभी एक ही बैकुंठ में रह चुके हैं। ईश्वर ने हम दोनों को इस मृत्यु लोक में भेजा है। इस संसार में जो भेदभाव व्याप्त हो रहा है उसे मिटाने के लिए और जन जन को सुपथ पर अग्रसर करने के लिए ईश्वर ने हमें इस संसार में उतारा है। श्री साई ने बताया, मैं लोगों से गोरस ग्रहण करने की पेशकश करता हूं। लोग मेरी आवाज सुनकर मेरे पास आते हैं। वे मेरे सर पर रखे गोरस के घट को देखते हैं और खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। वे कहते हैं कि देखो,
ये संत व्यक्ति क्या लेकर आ गया। उनमें से कोई कोई व्यक्ति तो पत्थर उठा लेता है और कोरस के पात्र पर दे मारता है। कोई कोई व्यक्ति तो हंसते हंसते ये कहने लगता है कि ए फकीर साईनाथ, तुम ये गोरस का पात्र लेकर यहीं खड़े रहो, जब मेरी मृत्यु हो तो दो चार बूंद मेरे मुंह में डाल देना। मेरे अनुरोध पर एक व्यक्ति भी गोरस का पान करने के लिए तैयार नहीं होता। उल्टे वे मुझे कहते हैं कि तुम हमारी शिंदी का एक दो घूंट पीकर तो देखो। आज इस शिंदी का नाम चारों तरफ गूंज रहा है और ये सारा संसार शिंदी के पीछे भाग रहा है। शिंदी का प्याला ही आज महत्वपूर्ण एवं महिमा मंडित है। दूध के प्याले को तो आज कोई पूछ ही नहीं रहा। मैं तो इस निराले संसार का ये अनोखा स्वांग देख रहा हूं। मुझे लगता है कि वर्तमान समय में इस संसार के लोग हमारी बात को थोड़ा मोड़ा मानने में भी कतराएंगे। ऐसा मेरा ख्याल है। आपका इस संदर्भ में कैसा अनुभव है? श्री साईं के वचन सुनकर गंगागीर ने कहा, आज जगह जगह पर ताड़ के पेड़ों के घने जंगल व्याप्त हैं और उनकी शोभा भी निराली है। इन ताड़ के पेड़ों का रस शराब के रूप में बेचने के लिए गांव-गांव में थोड़ी थोड़ी दूरी पर दुकानें खोल दी गई हैं। यहां नित्य चहल पहल बनी रहती है। लोग शिंदी को दिल खोल कर अपना रहे हैं और इसके रंग से अपने अंग अंग को मस्ती के रंग में रंगते जा रहे हैं। शिंदी की मस्ती के बाद वे आनंद से मग्न होकर इतना कोलाहल करते हैं जिससे सारा आसमान गूंज उठता है। दसों दिशाएं ध्वनित हो उठती हैं। वर्तमान समय में वातावरण में ये समा है और ऐसे समय में ईश्वर ने हमें और तुम्हें सर पर गाय के शुद्ध दूध का घड़ा रखकर धरती पर भेजा है। साथ ही ईश्वर ने हमें ये आदेश दिया है कि लोगों को जल्दी जल्दी गोरस का पान करवाओ। श्री साईं ने कहा, मेरे अनुरोध पर किसी किसी ने थोड़ा दूध ग्रहण किया, परंतु उस दूध के पौष्टिक तत्व से वे पागल हो गए। उनका मस्तिष्क मानो शिथिल पड़ गया। उन्होंने फिर से शिंदी का प्याला हाथ में थाम लिया। आज के समय की ये अद्भुत रीत है। हम हाथ में अमृत का प्याला लेकर संसार के पास जाते हैं और कहते हैं कि इसे पीकर तुम अमर बनो, किंतु हमारी बात लोग इस कान से सुनते हैं और उस कान से निकाल देते हैं। वे हमें कहते हैं कि उन्हें तो शिंदी का ही प्याला चाहिए, भले ही उसे पीकर उन्हें मौत ही क्यों ना आ जाए। लोग सत्य के अमृत का पान ही नहीं करना चाहते। वे सत्य का तनिक भी आदर नहीं करना चाहते। सभी असत्य की जय जयकार करने में लगे हुए हैं और असत्य की झूठी पताकाएं लहराने में मग्न हैं। गंगागीर ने कहा, मैंने भी कई बार ऐसा ही अनुभव किया। मैंने भी कई बार लोगों को सन्मार्ग पर लाने की कोशिश की। मैंने कुछ अच्छा करने का प्रयास किया, परंतु मेरा प्रयास विफल रहा। संसार को संपूर्ण रूप से देखने के बाद मेरे जहन में ये धारणा बनी कि गोरस को बांटने का कार्य दायित्व लेकर हम अपने आप पर व्यर्थ ही इतराते हैं, क्योंकि इसे ग्रहण करने वाला कोई नहीं। अतः मैंने अपना हृदय
इस कार्य की ओर से दूसरी दिशा में मोड़ लिया। गंगागीर की निराशापूर्ण वाणी सुनकर श्री साईं ने उनके हाथ में अपने दोनों हाथ रखे और बोले, हे पूज्य संत, हमारा काम है संसार का भला करना, अतः हम शुद्ध मन से लोक कल्याण में लगें, पतितों का उद्धार करें। हम जानते हैं कि मतर्य लोक है, यहां के लोग अपनी मर्जी से कार्य करते हैं, वे संत के मार्गदर्शन की उपेक्षा करते हैं, फिर भी हमें ईश्वर ने जिस कार्य के लिए भेजा है उसे हम करें। इस संसार में जिसे मरना है वो मरेगा, संसार सागर में जिसे डूबना है वो डूबेगा, यहां जिसे जीना है वो जिएगा, भव सागर से तरने का दृढ़ संकल्प जिसके मन में है वो भव सागर पार करेगा, शिंदी की इच्छा रखने वाला शिंदी पिएगा, गोरस की इच्छा करने वाले को गोरस मिलेगा। करते जग के आदमी मन मर्जी के काम, इमरत रस को छोड़ कर पीते शिंदी जा, सागर पार उतारने आते संत महा, साई तुझे कराएंगे अमृत रस का पान। इस अध्याय में चौथा संवाद वासुदेवानंद पुंडलीक श्री साईं संवाद है। इस अध्याय में श्री साईं ये संकेत करते हैं कि ईश्वर या सद्गुरु का कोई भी कार्य करना उनकी भक्ति के बराबर है। कार्य छोटा हो या बड़ा, कोई भी कार्य क्यों ना हो, उसे मन में दृढ़ निष्ठा एवं आस्था के साथ करना चाहिए। कार्य में कहीं कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। सद्गुरु के कार्य में लापरवाही बरतना ये भक्ति के प्रति लापरवाही है। आप सद्गुरु का कार्य कितनी निष्ठा के साथ करते हैं, आपका मन सद्गुरु के कार्य में कितना तल्लीन है, इसकी जानकारी सद्गुरु को अपने आप हो जाती है। भक्ति में लापरवाही नहीं, ईमानदारी एवं निष्ठा जरूरी है, तभी भगवत भक्ति संभव है। आइए अब हम वासुदेवानंद पुंडलीक श्री साईं संवाद का पारायण करते हैं। साईं भाई है बड़े बंधु सखा लला, उनके चरणों में बसे चारों तीर्थ धाम, अर्पित जल्दी करना काम। एक बार राजमहेंद्री नगरी में गोदावरी नदी के किनारे महान संत श्री वासुदेवानंद सरस्वती पधारे। उनके दर्शन करने के लिए नांदेड़ के कई भक्त जन राजमहेंद्री आए, जिसमें प्रसिद्ध व्यक्ति पुंडलीक राव भी शामिल थे। उन्होंने स्वामी जी की वंदना की।
उनसे कुशल क्षेम पूछा। स्वामी जी ने भी उनका सारा हाल समाचार अवगत किया। परस्पर वार्तालाप के दौरान शिरडी की सहज ही चर्चा होने लगी। शिरडी का नाम सुनते ही श्री वासुदेवानंद जी का मन आनंद से भर गया। वे पुंडलीक राव से बोले, श्री साई मुसलमान हैं, फिर भी वे मेरे ज्येष्ठ बंधु हैं। मैं जाति का ब्राह्मण हूं, फिर भी एक मुसलमान मेरे प्रगाढ़ रिश्ते में है। ऐसा पूर्व जन्मों से है। ये सत्य है कि कालातीत में भी हम दोनों संत थे। युग युग तक ये सत्य चलता रहेगा। अतः हिंदू मुसलमान में भेदभाव करना अल्पज्ञता एवं अज्ञान है। वासुदेवानंद जी ने कहा, क्या ब्राह्मण के तीन कान होते हैं? क्या मुसलमान के 3.5 कान होते हैं? जातिगत भेद करना दोषपूर्ण है, क्योंकि दोनों के अंदर प्राण धारा एक ही है। मैं तुम्हें ये जो कह रहा हूं ये सत्य है। इसे आश्चर्य भरी नजर से या शंका भरी निगाह से मत देखो। श्री साईनाथ महाराज साक्षात दिव्य संत हैं और मेरे ज्येष्ठ बंधु हैं। हे पुंडलीक राव, क्या तुम श्री साईनाथ महाराज के दर्शन करने कभी शिरडी गए हो? यदि नहीं गए तो शीघ्र उनके दर्शन करो। वासुदेवानंद जी की बात सुनकर पुंडलीक राव ने दोनों हाथ जोड़कर मधुर स्वर में उत्तर दिया, स्वामी जी, एक माह के अंतराल में मैं वहां जाऊंगा, ऐसा निश्चित है। स्वामी वासुदेवानंद जी ने पुंडलीक राव से कहा, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। तुम शीघ्रातिशीघ्र जाकर श्री साई के दर्शन करो। एक महीने के भीतर भीतर जाओ। चूक ना करना, विलंब ना करना। तुम जब वहां जाओ तो मेरी तरफ से ये नारियल उन्हें सम्मान के साथ भेंट करना और मेरी तरफ से उन्हें आदर सहित प्रणाम कहना। हालांकि मैं एक स्वामी हूं और परंपरागत रीति के अनुसार हम स्वामी किसी को प्रणाम या वंदन नहीं करते। श्री साई के सम्मुख हमारी इस रीति और परंपरागत व्यवहार का कोई प्रयोजन नहीं। उनके सामने हमारे सारे बंधन महत्वहीन हैं। श्री साई एक फकीर हैं, मैं एक सन्यासी हूं। उनके सामने कर्म अकर्म, रीति बंधन, करणीय अकरणीय आदि का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सूर्य के सामने शुद्ध अशुद्ध क्या? वो तो अशुद्ध को भी शुद्ध करने की क्षमता रखता है। पुंडलीक राव ने स्वामी जी को आश्वस्त करते हुए कहा, मैं इसी महाश्री साई के दर्शन करूंगा। उन्होंने स्वामी जी से नारियल लेकर कहा, ये श्री साई को सादर भेंट किया जाएगा। पुंडलीक राव एक माह के भीतर ही अपने साथियों के साथ शिरडी के लिए रवाना हो गए। कोपर गांव से जाने वाली गाड़ी में अभी काफी समय शेष था। सभी को भूख लगी थी, अतः सभी सामने नदी के किनारे नाश्ता करने बैठ गए। उनके पास पोटली में भुना हुआ चिवड़ा बंधा था। पोटली खोली गई और सभी चिवड़ा खाने लगे। चिवड़ा खाने में तेज था, उसमें मिर्च कुछ अधिक डली हुई थी। चिवड़े को खाने योग्य बनाने के लिए नारियल निकाला गया, उसे तोड़कर चिवड़े में मिला दिया गया और नाश्ते के साथ उसे खाने के काम में ले लिया गया। पुंडलीक राव ये भूल गए कि नारियल श्री साई को अर्पण करने के लिए था
और उसे तोड़कर खा लिया गया। दोपहर के समय सभी शिरडी पहुंच गए। सभी श्री साईं के दर्शन करने मस्जिद की ओर गए। पुंडलीक राव ने जैसे ही श्री साईं के दर्शन किए, श्री साईं ने उनसे कहा, तुम एक अच्छे गृहस्थ हो और अच्छा गृहस्थ व्यवहार में प्रामाणिकता बरतता है, उनका लेन देन साफ सुथरा होता है। मेरे पूज्य दोस्त ने तुम्हें जो नारियल मुझे भेंट करने के लिए दिया था, वो तुम अविलंब मुझे दो। मेरे भाई द्वारा भेजे गए नारियल को पाने के लिए मेरा हृदय अत्यंत उत्सुक हो रहा है, लेकिन वो नारियल तुम मुझे दोगे कैसे? उसे तो तुमने चिवड़े के साथ मिलाकर खा लिया। खाते वक्त तुम उस नारियल को बिल्कुल ही भूल गए कि ये किसी की अमानत है जो किसी को तुम्हें सौंपनी है। मेरे लिए वो नारियल अनमोल संपत्ति थी, परंतु तुमने उसकी हिफाजत नहीं की। तुमने अपने दुष्ट मित्रों की कुसंगति के कारण मेरा अनमोल खजाना खो दिया। श्री साईं समर्थ के ऐसे वचन सुनकर पुंडलीक राव हक्के बक्के रह गए। वे श्री साईं के श्री चरणों में झुक गए। अपने सिर पर अनायास ही दोष लग जाने के कारण वे थोड़े उत्तेजित हो गए और बिना सोचे समझे बोल पड़े, महाराज, सचमुच हम नारियल को भूल गए। हमें भूख लगी और तिक्त चिवड़े को मीठा करने के लिए हमने अपनी इच्छा से नारियल तोड़कर उसमें मिला लिया। वस्तुतः ये मेरी बड़ी भूल है, आपके प्रति ये एक अपराध है, आप मुझे क्षमा करें। मैं ऐसा करता हूं कि उस नारियल के बदले आपको दूसरा नारियल लाकर देता हूं। पुंडलीक राव दूसरा नारियल लाने के लिए ज्यों ही उठे, साईं ने उन्हें हाथ पकड़कर वापस बिठाया और हंसकर बोले, पुंडलीक राव, दूसरा नारियल लाने की जरूरत नहीं, वासुदेवानंद जी द्वारा दिया गया नारियल अनमोल था, कोई अन्य नारियल उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकता। गोदावरी के पवित्र जल की कीमत अनमोल है, उसकी बराबरी कभी कुएं का पानी नहीं कर सकता। अब जो भूल हो गई वो तो हो गई, तुम मेरे बच्चे हो, अब मैं अपने हृदय से किसके लिए क्रोध करूं? मेरे क्रोध करने से होगा भी क्या? टेलीग्राफ और वायरलेस से दूसरी जगह तुरंत संदेश भेजा जा सकता है, ये सचमुच आश्चर्यजनक है। परंतु एक संत ने दूसरे संत के सम्मान में नारियल दिया, इसकी तत्क्षण जानकारी श्री साईं को हो गई। ये तो उससे भी अधिक आश्चर्यजनक है। किस समय किस जगह पर क्या हो रहा है, इसकी पूर्ण जानकारी संत को तत्क्षण हो जाती है। प्राचीन काल में इस लोक में कुछ ऐसे समर्थ व्यक्ति भी थे जिनको समय, परिस्थिति और घटना का स्पष्ट ज्ञान होता था। वे इस कला को कायम रखे हुए थे। और अनेक भक्त कहां किस हाल में हैं, इसको ज्ञात करने के लिए इस कला का उपयोग करते थे। जानकारी करने के बाद वे दूर बैठे भक्तों का कल्याण करते थे। उन्हें टेलीग्राफ या वायरलेस की कोई आवश्यकता नहीं थी। वे अपने पेट की भूख मिटाने के लिए माधुकरी पर आश्रित होते और भोजन के दो ग्रास जुटाने के लिए घर घर जाकर भिक्षा मांगते। उनके पास ना तो पैसा रहता था, ना वे मन में पैसे की लालसा रखते थे। ऐसे अकिंचन ही दिव्य शक्तियों से संपन्न होते हैं, सत्य के साक्षात प्रतिमूर्ति होते हैं। कहां का
यहाँ क्या हो रहा, इसका किसको ज्ञान। साईं सब कुछ जानते, साईं संत महान। क्षण क्षण पल पल की खबर उनको रहती ज्ञात। हित चिंता में है मगन, सुबह शाम दिन रात। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। इति श्री साई ज्ञानेश्वरी चतुर्थ अध्याय।